कालेश्वर। यह चौंकाने वाली बात है कि आजादी के बाद आज तक कोई भी लोकसभा स्पीकर एक बार स्पीकर बनने के बाद दोबारा स्पीकर नहीं बन सका। सिर्फ नीलम संजीव रेड्डी ही एकमात्र ऐसे स्पीकर थे जो दोबारा लोकसभा स्पीकर बने। यहां तक कि कई लोकसभा स्पीकर तो चुनाव भी हार गए। इनमें सोमनाथ बनर्जी और मीरा कुमार भी शामिल है। अब तीसरी स्पीकर रही सुमित्रा महाजन ने तो चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। आइए देखते हैं वह सूची जिसमें अभी तक के लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल का विवरण दिया गया है। जी वी मावलकर 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक, एम ए अयंगर 8 मार्च 1956 से 16 अप्रैल 1962 तक, सरदार हुकुम सिंह 17 अप्रैल 1962 से 16 मार्च 1967 तक, नीलम संजीव रेड्डी 17 मार्च 1967 से 19 जुलाई 1970 तक, जीएस ढिल्लो 8 अगस्त 1970 से 1 दिसंबर 1975 तक, बलिराम भगत 12 जनवरी 1976 से 25 मार्च 1977 तक, एन संजीव रेड्डी 26 मार्च 1977 से 13 जुलाई 1977 तक, के एस हेंगड़े 21 जुलाई 1977 से 21 जनवरी 1980 तक, बलराम जाखड़ 22 जनवरी 1980 से 18 दिसंबर 1990 तक, रवि रे 19 दिसंबर 1990 से 9 जुलाई 1991 तक, शिवराज पाटिल 10 जुलाई 1991 से 22 मई 1996 तक, पी ए संगमा 25 मई 1996 से 23 मार्च 1998 तक, जीएमसी बालयोगी 24 मार्च 1998 से 3 मार्च 2002 तक, मनोहर जोशी 10 मई 2002 से 2 जून 2004 तक, सोमनाथ चटर्जी 4 जून 2000 से 30 मई 2009 तक, मीरा कुमार 30 मई 2009 से 6 जून 2014 तक, सुमित्रा महाजन 6 जून 2014 से 6 मार्च 2019 तक। हम आपको ऐसी जानकारियां देते रहेंगे। आप देखते रहिए ghamasan.com। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।